हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड और देखेंगे कि पीएचडी प्रोग्राम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है और जिसका जो नोटिफिकेशन है ये कब निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए, ये जो SRM यूनिवर्सिटी है जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड, तो यहाँ पर देखिए पीएचडी प्रोग्राम जो है वो उसका जो एडमिशन नोटिफिकेशन वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो SRM या आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे जैसे पीएचडी एडमिशन अगस्त 2021 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी फेलोशिप दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास GRF है भी नहीं तब भी अगर आप SRM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर आपको 20,000 पर मंथ जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास GRF नहीं है तब भी अगर आपका इनरोलमेंट या आप एडमिशन लेते हैं SRM यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे आपको 20,000 पर मंथ जो है यहाँ पे आपको सैलरी दी, मतलब कि फेलोशिप दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी PhD में कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए SRM यूनिवर्सिटी जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। इसके अलावा बात की हॉस्टल एंड एकोमोडेशन की, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप हॉस्टल या लाइक SRM यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या कैंपस में आप रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स में जो है यहाँ पे आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर जो है वो आपका रहेगा, प्रोग्राम जो है वो अगर फुल टाइम है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी 10,000 रुपीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे आपका एलिजिबिलिटी एडमिशन प्रोसीजर। तो देखिए, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपका यहाँ पे जो है 60% मार्क्स होने चाहिए आपका मास्टर लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे UGC नेट GRF या CSI UGC GRF या आपका DBT GRF या आपका SEMA GRF, ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे जो है कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास GRF है तब भी आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, अगर आपके पास नेट है तब भी आपको यहाँ पे कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, और आप डायरेक्टली जो है लाइक विल ऐप डायरेक्टली टू द डिस्कशन मीटिंग फॉर PhD इनरोलमेंट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे PhD इनरोलमेंट के लिए आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो मे बी आपका यहाँ पे जो है इंटरव्यू होगा, मे बी अगर आपका GRF है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा आई थिंक आपको, लेकिन कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे DBT इंस्पायर है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप फैकल्टीज से जो है आप डायरेक्टली जो है बात कर सकते हैं और उसी के थ्रू जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्पायर लाइक की जो लाइक एडमिशन है PhD में ले सकते हैं। तो आई थिंक ये DST इंस्पायर है, इन्होंने DBT इंस्पायर मेंशन कर लिया, आई थिंक यहाँ DST इंस्पायर है मे बी। ठीक है, तो देखिए, अब नोटिफिकेशन देख लेते, तो यहाँ पे देखिए PhD एडमिशन अगस्त 2021 नोटिफिकेशन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है PhD का है, पूरे ईयर आप कभी भी है जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसकी लास्ट डेट जो है वो मेंशन नहीं कर रखी, तो आप पूरे साल जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका है वो आपका रहेगा जनवरी अप्रैल अगस्त और नवंबर में, और जो एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑनलाइन, यानी आपको ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन जो है वो फिल करना है, और यहाँ पे जो नॉन रिफंडेबल फी है 1,100 रुपीज़ वो आपको पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक PDF देख लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने SRM यूनिवर्सिटी वालों ने। तो ये देखिए PDF जो इसका डाउनलोड होता है, तो इसमें देखिए आप की फीचर्स को दे रखे हैं, जैसे आपका नॉमिनल ट्यूशन फी है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जाएगा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, इसके अलावा आपको अगर आपका पेपर जो पब्लिश होता है तो उसके लिए भी सपोर्ट लाइक आपको यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, पेटेंट्स अगर आप कोई भी फाइल करते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। ठीक है, इसके अलावा सेवरल रिसर्च प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई DST, DST NSM, DBT ट्रस्ट, UGC, DAE, ARBL, टाटा इंडस्ट्री और सेवरल अदर। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं उस पर काम करने के लिए। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दे रखा है कि आप जो ना PhD के सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट साइंस बैकग्राउंड के और नॉन साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, अगर आपके पास जो है लाइक नॉर्मली क्या होगा, इंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा या इंट्रेक्शन होगा अगर आपके पास GRF नहीं है, वहीं अगर आपके पास UGC CSI नेट है या GRF है तो आपको डायरेक्टली जो है एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप अगर आपके पास UGC
जेआरएफ या सीएसआई जेआरएफ या आपका नेट भी आप है, चाहे वो यूजीसी नेट हो चाहे सीएसआई नेट हो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप डायरेक्टली जो है जिस भी इस लाइक एरिया में इंटरेस्टेड है तो आप अपने सुपरवाइजर से डायरेक्टली जो है बात करके उसमें डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन की वो 10 अगस्त 2021 है, तो आप इससे पहले जो अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है या फ़ोन नंबर दे रखा है और साथ ही साथ जो मेल आईडी मेंशन कर रखी है, तो आप इस पर जाके जो है अप्लाई लाइक अपना क्वेरी का जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है रिसर्च एरिया में और आप अपना कैरियर जो है पीएचडी बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से जो है अपना या एसआरएम यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा आपको दे रखा है, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा जो स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, तो स्टेप जो है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1100 रुपीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 1100 रुपीज़, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑल फील्ड मार्क्स विद एस्ट्रिक नीड टू बी कंपल्सरी, तो जो भी एस्ट्रिक्स है वो सारा आपको फिल करना है कंपलसरी, ठीक है। वंस यू सक्सेसफुली सबमिट ऑनलाइन फॉर्म एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जब आप पहली बार जो है वो सबमिट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को। उसके अलावा आप जो है इस एप्लीकेशन नंबर का जो है वो यूज़ कर सकते हैं आगे, अगर आपको कोई भी डाउट या आपका कोई भी क्वेरी चाहिए तो उस एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके जो है आप अपना कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो आपको अपनी फोटो डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करने हैं तो उसका आपको स्कैन कॉपी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी 1100 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी सबमिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी यूज फॉर ऑल करस्पॉन्डेंस, सो ईमेल आईडी बहुत ध्यान से पढ़िएगा भरिएगा, जिसका आपका जो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए वो करंट ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका नोटिफिकेशन या आपका जो भी लाइक अपडेट आएगा वो आपका ईमेल आईडी पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टेप बता रखे, क्रिएट योर लॉग इन वेरीफाई ईमेल फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पे एप्लीकेशन फ़ी और अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये आपको स्टेप जो है फॉलो करने हैं और इसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो देख क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एंटर नेम करना होगा, ठीक है। एंटर नेम के बाद आपका एंटर ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, फिर आप इस तरह से यहाँ पे अपना स्टेट और अपना सिटी जो है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको इस बॉक्स को टिक करना है, टिक करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा मे बी, या आप अपने ईमेल के थ्रू जो है वो दोबारा जो है लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा लॉग इन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको आपका ईमेल डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड आपका डालना पड़ेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो टिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो है पूरा सेम पेज जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए इन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद ये आप अपने लॉगिन करके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।